एखन हमरा संग मौजूद छथि गोवा के राज्यपाल आ मिथिला के बेटी श्रीमती मृदुला सिन्हा जी। तो छठि से संबंधित, चूंकि छठि के एकटा कार्यक्रम में नोएडा में आयल छथि आ एहि से संबंधित जे छै किछु बातचीत करब। दीदी, अहाँके बहुत बहुत स्वागत छै मिथिला मिरर में। हमरा आज यही बात के बड़ा खुशी है जे 40 साल पहले जब हम यहाँ अभियान शुरू कैली कि दिल्ली में भी छठ होय के चाही, कई लोग के हम बहुत प्रेरणा देली जे यहाँ भी करू, बहुत लोग करे के लिए तैयार न रहत, लेकिन हम शुरुआत कैली। जब हम शुरुआत करवैली तो खाली 4 लोग यहाँ जमुना किनारे छठ गए, 4 लोग 78 में। ओकरा बाद से हम सब सामान जुटाबे, ये करे वो करे, हम लोग के कहिए जे पेन्हैये, सब कोई झमकबैये, कोई कोई आप लोग अहाँ सब भी झमकाओ। लेकिन अब हमरा इतना खुशी है उम्र के, एक तो लाखों लाखों लोग यहाँ आ गए, दोसर कि छठ पर्व के इतना झमका दिलन कि बिहारी लोग भी यहाँ झमक गए, हमरा बहुत अच्छा लगे। हर राज्य के जे व्रत है, त्यौहार है, गणेश पूजा है, बहुत सारा ऐसा व्रत, सबके महत्व है और सबके एमे सब लोग के जाए के चाहिए, लोग के समझे के चाहिए। ये तो सूर्य पूजा है और सूर्य पूजा से जितना पूरा स्वच्छता अभियान सफल होए, सूर्य के पूजा से सब कुछ अन्न धन लक्ष्मी सब वो देने वाले, उनकर पूजा होइए, बड़ा खुशी के बात है। समाज बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये पूजा प्रधान लोग कर रहा है, ये बड़ी खुशी की बात। मिथिला के बेटी जे छै से मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से निकल के, तैके बाद वो गोवा तक पहुँचलखिन, राज्यपाल सन जे छै एक संवैधानिक पद भेटलनि। की संदेश देबे मिथिला सहित पूरा भारत के बेटी के लेल? मिथिला के संदेश आज से न, अनादिकाल से वहाँ के विद्वान लोग के संदेश, जीवन जिए के संदेश, स्त्री पुरुष के संदेश सारा विश्व के मिलत रहले। अभी फिर से मिथिला में बहुत कुछ बचल है और फिर से अभी यदि देश के, समाज के, विश्व के दिशा देवे के है तो मिथिला के जागृत करे के होए, मिथिला के अपन सारा पौराणिक संस्कृति के स्मरण करे के होए और शंकराचार्य के जना भारतीय हरा पराजित कर देथिन, एहन वहाँ के सब कन्या के, सीता, अहिल्या, गार्गी, मैत्री बन के सब पूरे देश के दिशा देवे। एक अंतिम सवाल, चूंकि अहाँ जे छै से हिंदुस्तान में नियमित अहाँ के एक कॉलम आबैए जे में मैथिली मुहावरा रहै छै आ तकरा जे छै से हिंदी में ट्रांसलेट कऽ के अहाँ लोग के बताबै छी, एहि के पाछा के की मंशा छै? इतना महत्वपूर्ण है वो जे कहावत सब है जी। तो ई कहावत जे हम कहली जे पेन्हैये सब कोई झमकबैये कोई कोई, वो कहावत वहीं के, तो कहावत के बहुत अर्थ है, ओकरा अंग्रेजी में अनुवाद करूँ, हिंदी में अनुवाद करूँ, एक ही तरह के रहत, सब लोग के सिखावे के चाहिए, ये भी हमर धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के मिथिला मिरर से बात करवा के लिए। छली है मृदुला सिन्हा, जिनका कथन छै जे मिथिला में अखनो बहुत कुछ बाँचल छै, जरूरत छै जे ओहि चीज के लऽ कऽ आगा आबी ताकि विश्व में जे छै से एहि चीज के संदेश पहुँच पकै। कैमरामैन रवि के संग हम ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, नोएडा, उत्तर प्रदेश।